नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत वत्स, स्वागत है आपका पब्लिकेशन न्यूज में। बुलंदशहर से खबर आ रही है जहां पर किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन और किसान सभा के बैनर तले राष्ट्रपति एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम शिकारपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें, किसानों ने बताया कि ग्रेटर नोएडा और हरियाणा के गिरफ्तार किसानों की रिहाई करने और किसानों की मांग पूरी करने के संबंध में यह ज्ञापन सौंपा गया है। क्या है पूरी खबर, आइए दिखाते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ज्ञापन दिया गया है, ये राष्ट्रपति को ज्ञापन है हमारा और प्रतिनिधिया मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के लिए। ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण कार्यालय का जो धरना चल रहा था शांतिपूर्वक, और हरियाणा में जो शांतिपूर्वक धरना चल रहा था उस पर जो किसानों पर लाठीचार्ज हुई, सरकार ने जो लाठीचार्ज दिलाई है ये बहुत गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे किसान भाई उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई और जेल में भेजा गया है तो उनके रिहाई के लिए ज्ञापन दिया गया है। या तो जल्द से जल्द उनको रिहा कर दिया जाए, और नहीं तो जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा उस आदेश का पालन। आज शिकारपुर तहसील में ज्ञापन दिया गया, किस संबंध में ज्ञापन दिया गया? जो हमारे हरियाणा के अंदर किसानों को जेल में डाला गया है, वहाँ लाठीचार्ज किया गया है, नोएडा के अंदर हमारे किसानों को जेल में डाला गया है, ये सरकार जो हमारे किसानों का बर्बरता कर रही है उसके विरोध में आज हमारा यहाँ ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। माननीय राष्ट्रपति को हम संबोधित ज्ञापन है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए भी लिखा है और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा खट्टर साहब को भी लिखा है। ये हमारा ज्ञापन है आज का, और इसमें हम निवेदन करने आए हैं कि या तो हमारे किसानों को तुरंत रिहा करें, अगर ये रिहाई नहीं करते हैं तो फिर हमारा आंदोलन हमको भी यहाँ अगले फैसले लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसमें हम कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। अगर सरकार तानाशाही पर उतरेगी, शांतिपूर्ण हमारी बात भी नहीं कहने देगी, हमको शांतिपूर्ण हमारी बात नहीं रखने देगी, तो हर सरकार से हर मुकाबला करने के लिए अगली हम तैयारी करने के लिए तैयार हैं। ये आप अपने स्तर से कार्रवाई करें, इसमें निवेदन ये उसको आप जवाब तो ले सकते हैं। कह रहे ढाई साल से ट्रांसफर क्यों नहीं बदला जाता, एक ये है एक साल से खड़ंजा उखड़ा पड़ा है, अब जब फाटने की व्यवस्था नहीं है लगाने की तो एक साल से खड़ंजा क्यों नहीं लगता, ये तो बात आपको नहीं लग रही है। नहीं, टंकी नहीं लग रही, टंकी लग रही है, टंकी पाइप फैल रही है। अच्छा, तो वो तो काम है, वो जो हो गया वो तो कार्य दोनों जब हो जाता है ना, वो उनकी जिम्मेदारी है, सर्टेन टाइम पीरियड के बीच में पूरा कराएंगे, ठीक है, जैसा होगा वैसे ही करके जाएंगे। नहीं ऐसा वो तो है जाए, वो ये खरंजा जो खरबा दो एक साल है तो पूरा, पर एक साल से उखड़ा पड़ा, बरसात का मौसम आ रहा है और दो गांव के रास्ते, गांव का रास्ता बंद है, तीन गांवों का रास्ता है, ये तीन गांवों का रास्ता।